नमस्कार दोस्तों, क्विक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चरित्रहीन औरत की खास पहचान, जी हाँ, केवल दो मिनट में जाने औरत का चरित्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चरित्रहीन औरत के कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिनको देखकर आप आसानी से किसी भी चरित्रहीन महिला की पहचान कर सकते हैं। कौन से हैं वो खास लक्षण, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य जी एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चरित्रहीन महिला के कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का करैक्टर दीपक की रोशनी जैसा होता है, जो दूर दूर तक प्रकाश फैलाता है। अच्छे चरित्र के लोगों से जीवन को नई राह और प्रेरणा मिलती है। हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है मनुस्मृति, दोस्तों, जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिससे उनकी पवित्रता बनी रहे और वह समाज में आदर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, किसी भी महिला का चरित्र गिर जाए तो उसकी समाज में निंदा होती है, अपमान होता है, और चरित्रहीन महिला पशुओं तथा नरकीय जीवों से भी नीची होती है। चरित्रहीन महिला पापों में लगकर पशुता तथा नरकों की तरफ जा रही होती है। ऐसी स्त्रियों का संग भी पतन करने वाला होता है। तो दोस्तों, मनुस्मृति में कुछ श्लोक के माध्यम से बदचलन और अपवित्र महिलाओं के लक्षण बताए गए हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मदिरापान करने वाली, दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली और पति के साथ ना रहने वाली, बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली अर्थात घूमने वाली, असमय एवं देर तक सोने वाली, अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में रहने वाली महिला चरित्रहीन होती है। शर्म और लज्जा नारी के आभूषण होते हैं। जब कोई महिला इनका त्याग कर देती है तो उसे अपशय का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मदिरापान करने वाली महिलाएं परिवार और समाज में अपनी इज्जत खो देती हैं। दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। उनकी वजह से परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है। दोस्तों, बताते हैं कि पति के साथ ना रहने वाली महिलाएं और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। विवाह के उपरांत पति के साथ रहने पर ही महिला को समाज में उचित मान सम्मान प्राप्त होता है। कहते हैं, बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली महिला के चरित्र में दोष आ सकता है। विवाहित महिला ऐसे करे तो वह अपने ससुराल और मायके दोनों की इज्जत को धूमिल करती है। दोस्तों, मनुस्मृति में बताया गया है कि असमय और देर तक सोने वाली महिलाएं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और साथ ही पारिवारिक दायित्व भी ठीक से नहीं निभा पाती हैं, इसलिए वह शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहती हैं। दोस्तों, अंत में हम आपको बताते चलें कि मनुस्मृति में बताया गया है कि पिता और पति, ये दो घर ही महिलाओं के लिए उपयुक्त माने गए हैं। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहने वाली महिला के चरित्र में दोष आ जाता है। दोस्तों, किसी दूसरे के घर में जितने भी ऐशो आराम क्यों ना हो, लेकिन जो सुख और अपनापन पिता और पति के घर में प्राप्त होता है, वह कहीं और नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यही कुछ थे मनुस्मृति के ऐसे विचार जो कि स्त्रियों के बारे में बताए गए हैं, और ऐसा अगर स्त्रियां करती हैं तो वह चरित्रहीन कहलाती हैं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने ऐसी ही स्त्रियों के बारे में बताया है कि ऐसी महिलाएं बहुत ही चरित्रहीन होती हैं।
वैसे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।